नमस्कार दोस्तों इस नए बैच में आप सभी का स्वागत है जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस बैच में जुड़े हैं वो सिर्फ ये सोचकर जुड़े होंगे कि सर हमें हंड्रेड परसेंट इस एग्ज़ाम में पास कराने वाले हैं और ये बिल्कुल सही भी है आपको सबसे पहले सिलेबस समझाएंगे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के तौर पर आपको ढेर सारी क्लासेज इसमें देंगे मेन मेन जितने भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं वो सभी आपको समझाएंगे और याद रखिए जितना हमने पढ़ा दिया उतना ही आपके एग्ज़ाम में आना भी है तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर फोकस करना है कुछ भी दिमाग में लेकर नहीं आना वेट एंड वॉच वाला सिस्टम है आपको इस बैच के अंदर क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको बता देता हूँ आपको इस बैच के अंदर मिलेगी क्लास पी है ना क्लास पी के साथ आपको पेड नोट्स क्लास पी और पेड नोट्स दोनों इस बैच के अंदर मिलेंगे और ये आपको पास कराने के लिए इनफ होने वाला है समझ में आया या नहीं आया आप कहेंगे बिल्कुल सर तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए जो टाइम टेबल आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस कराने की पूरी कोशिश की जा रही है साथ साथ जो आपका टाइम होता है वो आप ही के एप्लीकेशन के अंदर जब आप बैच के अंदर आते हैं तो बैच के अंदर एक अनाउंसमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर आपका टाइम टेबल दिखाया जाता है उस बैच के अंदर बैच के अंदर अनाउंसमेंट में आपको टाइम टेबल दिखा दिया जाता है उसी टाइम पर आपकी परफेक्टली क्लास यहाँ पर हो जाती है दोस्त ठीक है बात समझ में आ रही है आप सभी को आपका आपके एप्लीकेशन में एक चैट बॉक्स का ऑप्शन होगा वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे चैट भी कर सकते हैं कोई डाउट आपका को हो तो आप पूछ भी सकते हैं चलिए तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दो क्वेश्चन डेमो क्वेश्चन की और साथ साथ सिलेबस की सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो सारी ज़िंदगी भी इस एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे तो जैसा मैं पढ़ाता जाऊंगा बस आपको शांत होकर पढ़ते जाना है और आपको पास कराने की हम लेंगे यहाँ पर गारंटी समझ में आया वो भी अच्छे नंबरों से तो देखिए सबसे पहले सिलेबस आपको ओवरव्यू तो पता ही होना चाहिए सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्लॉक्स की तो ये जो सब्जेक्ट कोड है इसका नाम है रीडिंग एंड अच्छा इंट्रोडक्शन चैप्टर का नहीं हुआ है ना सब्जेक्ट का नहीं हुआ तो इस सब्जेक्ट का नाम है रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल मैंने आपको बता रखा है लैंग्वेज के चार बेसिक स्किल होते हैं जिनको एल एस आर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं एक होता है आपका लिसनिंग यानी कि सुनना दूसरा होता है स्पीकिंग यानी कि बोलना एक होता है रीडिंग यानी कि पढ़ना और डब्ल्यू होता है राइटिंग यानी कि लिखना तो आप देखिए इन चार लैंग्वेज स्किल्स में से हमें कौन कौन सी दी गई हैं रीडिंग और स्पीकिंग ये दोनों स्किल हैं पढ़ना भी अपने आप में स्किल माना जाता है दोस्त ये बात आपको याद रखनी है पढ़ना भी अपने आप में एक स्किल है और बोलना भी अपने आप में एक स्किल है देखिए पढ़ने को तो हम फिर भी एक स्किल मानते हैं लेकिन बोलने में हम सोचते हैं ये कोई स्किल थोड़ी हुआ बोलना कुछ भी बोल दो कैसे भी बोल नहीं कब कहाँ किससे कैसे बात करनी है कब कहाँ किसको कितना बोलना है ये भी तो आपको सीखना है इसे ही स्पीकिंग स्किल कहते हैं दैट इज कोल्ड आपका स्पीकिंग स्किल स्पीकिंग स्किल में आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्त स्पीकिंग स्किल में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि स्पीकिंग स्किल यहाँ पर लैंग्वेज में इंग्लिश की बात हो रही है इंग्लिश लैंग्वेज मैंने ऊपर ही लिख दिया इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है रीडिंग करनी हिंदी में आती है जरूरी नहीं है स्पीकिंग करनी हिंदी में आती है यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा आपसे कहा जा रहा है इंग्लिश में बताइए क्या इंग्लिश में आपको रीडिंग करनी आती है क्या इंग्लिश में आपको स्पीकिंग करनी आती है वो आपसे पूछा जा रहा है बात समझ में आई आप कहेंगे डन सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हमें नहीं हुई है आगे देखिए चीजों को समझिए सबसे पहले ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट का नाम है लर्निंग टू रीड इफेक्टिवली यानी ये डायरेक्टली रीडिंग स्किल यहाँ पर कौन से स्किल की बात होगी पूरे ब्लॉक के अंदर रीडिंग स्किल की जिसमें आपको बताया जाएगा कि रीडिंग का प्रोसेस क्या होता है रीडिंग कैसे की जाती है रीडिंग का होल प्रोसेस क्या होता है ये आपको बताया जाएगा रीडिंग प्रोसेस की पूरी जानकारी आपको इसके अंदर दी जाने वाली है बात समझ में आई आप कहेंगे डन सर दूसरा है आपका डेवलपिंग रीडिंग स्किल भाई ये तो रीडिंग का पूरा प्रोसेस समझाएगी यूनिट फर्स्ट कि रीडिंग कैसे कैसे की जाती है दूसरी यूनिट हमें बताएगी कि आप रीडिंग स्किल किसी भी व्यक्ति के अंदर डेवलप कैसे कर सकते हैं आप किसी भी व्यक्ति के अंदर रीडिंग स्किल का डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं आप किसी व्यक्ति के अंदर किस तरीके से रीडिंग स्किल को लेकर आ सकते हैं वो आपसे पूछा जाएगा यूनिट थर्ड जो है आपकी वो बात करेगी लर्निंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन स्ट्रेटजीज यूनिट थर्ड हमें उन तकनीकों और स्ट्रेटेजीज के बारे में बताएगी जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं पढ़ के चीजों को समझ सकते हैं तीनों में अंतर है एक बताता पढ़ते कैसे हैं। एक आपको पढ़ना सिखाएगी एक बताता है पढ़ते कैसे हैं दूसरा आपको पढ़ना सिखाएगी तीसरा आपको बताएगी पढ़ के समझते कैसे हैं और चौथी यूनिट आपको बताएगी कि जब आप क्या कर रहे होते हैं जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप कितने तरीके के टेक्स्ट पढ़ते हैं जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कोई ना कोई मटेरियल पढ़ रहे होते हैं उस मटीरियल को यहाँ पर टेक्स्ट कहा जाता है और वो बेसिकली पाँच तरीके के होते हैं जिनमें आपने बार बार नाम सुने होंगे नरेटिव आर्ग्यूमेंटेटिव डेस्क्रिप्टिव और आपके परसुएसिव इस तरीके के ढेर सारे आपके क्या होते हैं

आगे देखिए रीडिंग में यहां से आपके एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन से क्वेश्चन आपको, आपको इस ब्लॉक से देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम दो क्वेश्चन है ना एक तो हंड्रेड परसेंट आता है इस ब्लॉक से क्यों क्योंकि यहां पर बताया जाता है टाइप ऑफ टेक्स्ट के बारे में जो मेटेरियल हम पढ़ रहे होते हैं है ना कुछ ना कुछ तो हम पढ़ते हैं ये भी रीडिंग स्किल से ही है शुरू के दो ब्लॉक जो है इस सब्जेक्ट के अंदर रीडिंग स्किल है बाकी के दो ब्लॉक जो है इसके अंदर स्पीकिंग स्किल की बात करते हैं जिसमें आपके पांच यूनिट और पांच प्रकार के टेक्स्ट हैं टाइप्स ऑफ टेक्स्ट है ना पहला है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव नरेटिव आर्ग्यूमेंटेटिव और परसिव है ना तो ये पांच प्रकार के टेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा मतलब ब्लॉक सेकंड को तो हम दो क्लास के अंदर कवर कर लेंगे बहुत प्यार से इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बातें करेंगे सारी बातें नहीं करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आता है व्हाट व्हाट इज नरेटिव टेक्स्ट एक्सप्लेन इट्स फीचर्स डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नरेटिव टेक्स्ट क्या होते हैं इसके फीचर्स आप मुझे बता दीजिए बात समझ में आई नहीं आई आप कहेंगे डेंसर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है तो पाँच प्रकार के टेक्स्ट पढ़ाएंगे दूसरे ब्लॉक में फर्स्ट ब्लॉक में क्या था रीडिंग स्किल को डेवलप कैसे कर सकते हैं सेकंड ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ यह है कि पांच प्रकार के जो टेक्स्ट होते हैं एक्सपोजिटरी डिस्क्रिप्टिव नरेटिव आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव ये पांच प्रकार के सिर्फ टेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ब्लॉक में थर्ड ब्लॉक जो है आपका वो इंपॉर्टेंट है यहाँ से स्पीकिंग स्किल स्टार्ट हो जाता है डायरेक्टली आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी सभी को स्पीकिंग स्किल बिल्कुल तीन फीचर्स हमारे एप्लीकेशन के आप याद रखिए हमेशा याद रखिए पहला फीचर क्लास लाइव अगर आप लेट से ज्वाइन करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास खत्म होती तुरंत मिल जाएगी है ना फीचर नंबर आपका डाउट लाइव क्लास में सोल नहीं हो पाता तो चैट चैट आपके पास है ही बॉक्स का ऑप्शन उसके अंदर आप जाइए पर आप क्या कीजिए हमें कमेंट कीजिए आपका डाउट तुरंत सोल्व होगा डाउट नंबर थर्ड टाइम टेबल आपके बैच में डाल दिया गया है उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पर आपकी उसी दिन क्लास होंगी तीनों डाउट क्लियर हुए अब बार बार इस डाउट को मुझसे कमेंट बॉक्स में ना पूछे आगे देखिए स्पीकिंग स्किल्स स्पीकिंग स्किल्स में सबसे पहले हम बात करें क्योंकि स्पीकिंग मतलब बोलना दोस्तों और बोलना जब हम किसी से बात करते हैं तो उस बोलने को क्या कहते हो आप कम्युनिकेशन कहते हो स्पीकिंग यानी बोलना और बोलना यानी कि कम्युनिकेशन बात समझ में आई स्पीकिंग यानी कि बोलना और बोलना मतलब कम्युनिकेशन तो so, कम्युनिकेशन में सबसे पहली यूनिट क्या कहती है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन स्किल की क्या इंपोर्टेंस है ये आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कम्युनिकेशन स्किल की क्या इंपोर्टेंस है इंपोर्टेंट क्यों है कम्युनिकेशन स्किल दूसरे में हम बात करेंगे फॉर्मल कन्वर्सेशन की वो बातचीत जो कि किसी ऑफिस में स्कूल के अंदर टीचर्स के साथ आप कहेंगे फॉर्मल प्लेसिस पर होती है फॉर्मल लैंग्वेज में होती है फॉर्मल बिहेवियर में होती है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ कि तो और बताओ भाई क्या हाल है तेरे बढ़िया बिड़ो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है इनफॉर्मल लैंग्वेज लेकिन मैं आपसे एक तरीके से रेस्पेक्टफुल और आप कहेंगे फॉर्मल लैंग्वेज का जो यूज़ कर रहा हूँ इसे हम फॉर्मल कन्वर्सेशन कहते हैं उसकी बात हम करेंगे फिर हम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन की बात करेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच में कई बार डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन आता है उसकी भी बात करेंगे क्लियर फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में छोटा क्वेश्चन हमेशा आता है तो इसके बारे में बात करेंगे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ये क्या होती है टेलीफोन पर होने वाली बातचीत जिससे हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कहते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे बात समझ में आ रही है सभी को है ना चैट बॉक्स का यूज कीजिए चैट बॉक्स का यूज करना मैं आपको सिखाता हूँ क्योंकि आप नहीं हैं आप सभी मुझे हाई करेंगे चैट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ आपको चैट बॉक्स का यूज करना आ रहा है क्या आप चैट बॉक्स में डाउट पूछ पा रहे हैं सभी मुझे हाई करें जितने भी लोग नहीं जुड़े अभी तक चैट बॉक्स से जल्दी, जल्दी 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 आप ज्यादातर लोगों ने अभी तक हाई नहीं किया हाई कीजिए है ना तो आपको पता चलेगा कि उस चैट बॉक्स का यूज किस तरीके से होगा हाँ गुड अब आने लगे दर 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 तो मतलब आप जानते हैं कि चैट कहां पर करना है बहुत बढ़िया दोस्त आगे चलते हैं चीजों को समझेंगे तो यह है आपकी इन ब्लॉक थर्ड जिसमें स्पीकिंग स्किल की हम बात करेंगे ब्लॉक फोर्थ भी आपका स्पीकिंग स्किल पर ही है लेकिन ब्लॉक फोर्थ क्या आता है कि स्पीकिंग की की जाती है प्रैक्टिस तो आप ही सोचिए आपको बोलना सीखना बिना प्रैक्टिस के कैसे सीखेंगे आप इंग्लिश का इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग ज्वाइन करते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए तो करते हैं आप कहेंगे बिल्कुल सर हम प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग का कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसी प्रैक्टिसिंग की यहाँ पर बात हो रही है उसी प्रकार के प्रैक्टिस की यहाँ पर बात हो रही है तो प्रैक्टिस स्पीकिंग स्किल की बात यहाँ पर हो रही है देखिए कैसे सबसे पहला है प्रोनाशिएशन है ना यूनिट फर्स्ट हमें प्रोनाशिएशन सिखाएगी इसकी साउंड ऑफ इंग्लिश यहाँ की यूनिट फर्स्ट हमें बताएगी इसको भूल जाना ये तो कॉमन है यहाँ पर लिखा है ना प्रोनाउंसिएशन करेक्टली प्रोनन्सिएशन करेक्टली प्रोनाउंसिंग करेक्टली स्पीकिंग एक्टिविटीज इनको भूल जाओ है ना मेनली फोकस किस किस पे करना है हम सीखेंगे साउंड्स इन इंग्लिश इंग्लिश में किन किन प्रकार के साउंड होते हैं आपने दो प्रकार के तो पढ़े होंगे कॉन्सोनेंट एंड वोवेल साउंड तो साउंडस ऑफ इंग्लिश हम समझेंगे इसके अलावा स्ट्रेस क्या होता है एक कॉन्सेप्ट रिदम क्या होता है दूसरा कॉन्सेप्ट ये दो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे इसके अलावा स्पीकिंग एक्टिविटीज़ में आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं डायलॉग राइटिंग कर सकते हैं रोल प्लेइंग कर सकते हैं और डिबेट्स इन सब में हमें बोलना पड़ता है जब हम स्टोरी बताते हैं मान लीजिए हम एक बच्चे को कोई कहानी सुना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग हम बच्चे के साथ बातचीत कर रहे हैं डायलॉग राइटिंग या फिर डायलॉग डिलीवरिंग है ना रोल प्ले जब आप मान लीजिए कोई रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश में बात हो रही है यहाँ पर आप कोई नाटक खेल रहे हैं वो भी इंग्लिश में तो रोल प्ले डिबेट सब में क्या होगी आपकी प्रैक्टिस होगी किसकी स्पीकिंग स्किल की फिर आपका कौन सी प्रैक्टिस डिस्कशन जीडी आप करते हैं ग्रुप डिस्कशन जिसे आप आम भाषा में जीडी कहते हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है साथ साथ मीटिंग्स की बात यहाँ पर हो रही है मीटिंग्स की मीटिंग के साथ साथ प्रेजेंटेशंस की तो यह है आपके दो मेनली स्किल कौन से मेनली स्किल मैंने आपको बताए एक है आपका रीडिंग स्किल दो ब्लॉक शुरू के क्या है आपके रीडिंग स्किल पर डिपेंड है बाकी के दो ब्लॉक्स आपके क्या है स्पीकिंग स्किल पर डिपेंड है है ना दोनों से मिलकर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं है ना बी जी एल ए वन थर्टी एट सब्जेक्ट कोड हम पढ़ रहे हैं क्या आप सभी को सिलेबस समझ में आया सिलेबस समझ में आया यह है आपका सिलेबस बहुत बढ़िया दोस्त आगे चलते हैं समझते हैं अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम पढ़ेंगे किस तरीके से दो मेन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पढ़ाना दिखाता हूँ है ना हम इस तरीके से पढ़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे पढ़ेंगे ये चीज़ें आप समझ लीजिए क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है है ना सिलेबस मैंने आपको समझा दिया आप पढ़ेंगे कैसे बैच के अंदर वो भी आप समझ लीजिए देखिए रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स दोनों स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट आज का हैश वन सेप्ट समझिए द मॉडर्न क्लासरूम एनवायरमेंट आज के समय में आप देखे होंगे कि जो क्लासरूम होता है जो क्लासरूम जिसमें हम बैठे हैं मॉडर्न है मॉडर्न कैसे है क्या मैं आपको आपके साथ बैठा हूँ फिजिकली आप कहेंगे नहीं सर क्या आप मेरे सामने फिजिकली बैठे नहीं हो सकता है आप तो मुझे पूरी तरीके से देख रहे हैं मैं आपको जानता भी ना हूँ बिल्कुल सही बात है दैट इज द मॉडर्न क्लासरूम एनवायरमेंट एक ऐसा क्लासरूम जो फिजिकली कंजिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता और आप कहेंगे मॉरली इमोशनली और सोशली रूप से कनेक्टेड है बच्चे सीख रहे हैं बच्चे नई नई चीज़ें जान रहे हैं घर बैठे बैठे बच्चे ड्रेस नहीं पहनते बच्चे कहीं जाते नहीं बच्चे कहीं आते नहीं है ना सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल खोलते हैं अपना नेट खोलते हैं और डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं दैट इज़ मॉडर्न क्लासरूम जो कि पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है जो पूरी तरीके से किस पर निर्भर करती है आप कहेंगे सर टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है तकनीक पर निर्भर करती है एक ऐसी क्लासरूम रूम जहाँ पर बच्चा इंपॉर्टेंट है टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है आज भी आप स्कूल में और कॉलेज में भी आप क्लास लेने जाते होंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीचर इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है सिर्फ़ और सिर्फ टीचर इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर वहाँ पर बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं होता जो टीचर बोल रहा है वही परम सत्य है जो टीचर बोल रहा है वही परमात्मा है और बच्चा क्या है बच्चा बेवकूफ़ है बच्चे के डाउट्स बेवकूफ़ हैं बच्चे को कुछ नहीं आता ये मान के चलता है टीचर लेकिन मॉडर्न क्लासरूम ये नहीं कहती मॉडल क्लासरूम फाइव सीज़ पर डिपेंड करती है किन पर डिपेंड करती है फ़ाइव सीज़ पर डिपेंड करती है ये फाइव सीज़ कौन से हैं फाइव सीज़ फाइव सीज़ कौन से हैं पाँच सी हैं एक दो तीन चार और पाँच फाइव सीज़ पर डिपेंड करती है मॉडर्न क्लासरूम अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द फीचर्स ऑफ मॉडर्न क्लासरूम तो आप कहेंगे सर पांच फीचर्स होते हैं मॉडर्न क्लासरूम के जो मैंने आपके सामने यहाँ आप पर लिखे हुए हैं पहला फीचर है आपका कंटेंट मॉडर्न क्लासरूम का कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो मॉडर्न लगे आप ही देखिए हमारी वाली जो क्लासरूम है इसके अंदर मॉडर्न तौर पर आप कहेंगे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर ये पूरी तरीके से कंटेंट खुला हुआ है कंटेंट को सिस्टमेटिकली पीपीटी के ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर लगाया गया है दैट इज मॉडर्न क्लासरूम कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के लेवल का हो लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए कंटेंट सिंपल मतलब आपकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए कंटेंट सिंपल का मतलब बच्चे को खुद पढ़ के समझ में आ जाए टीचर समझे समझाए या ना समझाए समझ में आ रहा है बच्चे को समझ में आना चाहिए ऐसा कंटेंट होता है मॉडर्न क्लासरूम का दूसरी बात है कम्युनिकेशन बातचीत होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते मैं आपके डाउट डायरेक्टली सुनता हूँ है ना मैं आपको बोल रहा हूँ आप मेरी बातें सुनते हैं आप अपने डाउट पूछते हैं मैं आपको बोल रहा हूँ हम आपस में बातचीत कर रहे हैं कम्युनिकेशन जहाँ पर कम्युनिकेशन होता है दैट इज़ मॉडर्न क्लासरूम पुराने समय में आप देखते होंगे आपने सुना होगा पेड़ के नीचे एक डंडा लेकर टीचर बैठा रहता था बोलता रहता था बोल के चला जाता था इवन आज भी ऐसा कई स्कूलों में होता है ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में क्या होता है सिर्फ टीचर बोलता रहता है बच्चे चुप चुप सुनते रहते हैं चालीस मिनट और वो बोलकर फार्म भरकर चला जाता है है ना और किसी को कुछ समझ में नहीं आता बच्चा आज भी मिलबें ठीक है दोस्त फिर तीसरा है जो बच्चे के ब्रेन को डेवलप कर सके मॉडर्न क्लासरूम वो है जो बच्चे के ब्रेन को डेवलप कर, कर सके ऐसा नहीं बच्चा है तो क्या वही रोहित मेहरा वाला हिसाब किताब ना हो जाए कोई मिल गया वाला कि बच्चा आ गया है फिफ्थ क्लास में लेकिन उसका दिमाग आज भी नर्सरी के बच्चे वाला है नहीं क्लास के अकॉर्डिंग हम क्लास में बच्चे को प्रमोट करने से पहले ये जरूर देख लें कि ये बच्चा इस क्लास में प्रमोट होने लायक है या नहीं है आप देखेंगे बारहवीं क्लास का बच्चा सही से हमारे यहाँ हिंदी नहीं लिख पाता इंग्लिश की तो बात ही भूल जाओ है ना इंग्लिश में अच्छे से आप कहेंगे पढ़ नहीं पाता बारहवीं क्लास का बच्चा इंग्लिश को सही से रीड नहीं कर पाता मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट जहाँ पर नहीं हो वो मॉडर्न क्लास नहीं है मॉडर्न क्लास में कल्चर का ध्यान रखा जाता है दोस्तों कल्चर बोले तो संस्कृति मॉडर्न क्लास में संस्कृति का ध्यान रखा जाता है कल्चर का आप देख रहे होंगे जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं जो मॉडर्न क्लासरूम की बात करते हैं उनके अंदर यही पांच चीज़ें होती हैं वो बेहतर कंटेंट बच्चों को देते हैं वो ये आपका कॉन्सेप्ट है मैं आपको अपने ऐप के फीचर्स नहीं बता रहा हूँ ये ये आपके कॉन्सेप्ट है आप है है, का ही क्वेश्चन है एग्जाम का कि मॉडर्न क्लासरूम में कंटेंट अच्छा होता है बातचीत होती है बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है प्रत्येक कल्चर को इंपॉर्टेंस दी जाती है चाहे इस्लामिक कल्चर हो हिंदुज़म हो जैनिज़्म हो बुद्धिज़्म हो सभी कल्चर को इम्पोर्टेंट माना जाता है साथ साथ आप कहेंगे कंटेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है कंटेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब मान लीजिए जैसे मैं भी आपको देखते हूँ ना आप कई बार आपसे बातचीत करते करते टिक्के गोलगप्पे के एग्जाम्पल मैं देने लगता हूँ आस पड़ोस के कूड़ा वाला आया घर से कचरा निकाल दिल्ली एमसीडी का एग्जाम्पल मैं आपको देने लगता हूँ तो ये क्यों क्योंकि हमारा कंटेक्सट गरीबी वाला है हमारा कंटेक्स्ट मुकेश अंबानी वाला नहीं है कि मैं आपको एंटीलिया या फिर मन्नत शाहरुख खान के मन्नत बंगले का एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दूँ नहीं मैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा कंटेक्स्ट का मैं यहाँ पर आपको किस चीज़ का एग्जाम्पल दूंगा कंटेक्सट का एग्जाम्पल दूंगा गुड मॉर्निंग साहब ठीक है आप थोड़े से लेट हो गए बात समझ में आई या नहीं आई आप कहेंगे बिल्कुल सर यहाँ तक हमें दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है क्लियर चलिए तक दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को बताइए जल्दी समझ में आया आप मॉडर्न क्लासरूम का कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता संदर्भ जहां पर हम सीख रहे हैं उसके आसपास की चीजों को देखकर सीखना जैसे हमारे एरिया की नीड क्या है हमें अच्छे से कंप्यूटर चलाना आना चाहिए हमें अच्छे से इंग्लिश बोलना आना चाहिए लोगों से बातचीत करना आना चाहिए एक अच्छी नौकरी हम ले पाए यही हमारा कंटेक्सट है यही हमारा सब कुछ है बात समझ में आई यही हमारा जीवन है यही हमारा कंटेक्स्ट है तो जहाँ पर इन पाँच चीज़ों का ध्यान रखा जाता है दैट इज़ कोल्ड अ मॉडर्न क्लासरूम एनवायरमेंट और ये पाँचों ही चीज़ें एक खास बात यह है मैं आपको बता दूँ ये पांचों ही चीज़ें आपको कौन देता है ये पांचों ही चीज़ें आपको एजू चक्र ऐप देने की कोशिश करता है क्योंकि ये ऐप मैंने खुद डेवलप कराया है बल्कि आधे से ज़्यादा खुद डेवलप किया है कोशिश किया है खुद करने की इसको मैनेज है ना हमें ऐप तो हमने दूसरों से बनवाया लेकिन इसके अंदर की मैनेजमेंट को मैंने बहुत बेहतर बनाने की कोशिश की है मैं आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ बातचीत करने की कोशिश करता हूँ आपके ब्रेन को डेवलप करने की कोशिश करता हूँ हालांकि थोड़ा कल्चर पर हम कम ध्यान दे पाते हैं क्यों क्योंकि हमें लोगों के कल्चर्स का पता नहीं होता लेकिन हम कंटेक्ट के अकॉर्डिंग जरूर पढ़ाते हैं हम आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं कि आप कितना अच्छे से सीख सकते हैं कितनी देर में आप सीख सकते हैं उसी पेज पर पढ़ाते हैं समझ में आई बात आप कहेंगे डांसर यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है सेकंड कॉन्सेप्ट क्योंकि एक डेमो क्लास है ये है ना इसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे थ्री कॉमन थ्री कॉमन डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ रीडिंग स्किल्स मान लीजिए मैं आपके अंदर रीडिंग स्किल डालने की कोशिश करूँ मैंने आपको बुक का एक पेज दिया मैंने आपको बुक का एक पेज दिया मैंने कहा पढ़िए आपसे पढ़ा नहीं जा रहा और आप कह रहे सर पढ़ना सिखा दीजिए आप हमें रीडिंग स्किल सिखा दीजिए तो आपको तीन डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती होंगी अगर आपको अच्छे से पढ़ना नहीं आता तो आपके सामने तीन डिफ़िकल्टीज होती होंगी उन डिफ़िकल्टीज में पहली डिफिकल्टी है चैलेंज ऑफ डिकोडिंग मतलब समझना पढ़ के समझ नहीं आता होगा आपको आपको समझने में दिक्कत होती होगी हमेशा है ना आप बताओ कौन कौन से लोग यहाँ पर ऐसे जुड़े हैं जो सही इस बात को सही मानते हैं कि सर रीडिंग स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट है हम पढ़ के समझ ही नहीं पाते हमें दिक्कत ये होती है हम पढ़ तो लेते हैं हमें समझ में नहीं आता डिकोडिंग का मतलब होता है ये लैंग्वेज एनकोड ही तो की जाती है समझना डिकोड कहलाता है दिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशिंग वर्ड्स ये कहता है कि पढ़ते कैसे हैं प्रनाउंस कैसे करते हैं और साथ साथ रिटर्न लैंग्वेज को हम समझते कैसे हैं ये क्योंकि डिफ़िकल्टी होती है हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स डिफ़िकल्ट होते हैं कन्फ्यूजन पैदा होती है अब मान लीजिए आपको अगर पता ही ना हो आपको अगर पता ही ना हो कि एक्यूमलेट का मतलब क्या होता है एक्यूमलेट का मतलब क्या होता है तो आप कभी भी इस शब्द का मीनिंग जान ही नहीं पाएंगे मैं एक सेंटेंस लिख दूँ जिसमें एक्यूमलेट शब्द का यूज़ मैंने किया है आप कैसे बताएंगे क्या होता है है ना अगर आपको ये पता ही नहीं एनकाउंटर्ड शब्द का मतलब क्या होता है सामना करना होता है अगर ना पता होता तो आप इस क्वेश्चन का मीनिंग कभी निकाल ही नहीं पाते तो याद रखिए पहली डिफिकल्टी पढ़ते समय हमारे सामने ये होती है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते चैलेंज ऑफ डिकोडिंग कहते हैं इसको इसको कहते हैं चैलेंज ऑफ डिकोडिंग ये आज का सेकेंड कॉन्सेप्ट था ठीक है इसके बाद दूसरा जो हमारी प्रॉब्लम है इनएडुकेट एंड फोल्टी कॉम्प्रीहेंशन अगर हम समझ भी लेते हैं तो हमेशा अपर्याप्त होता है इंग्लिश में तो ऐसा देखा ही गया है देखिए यहाँ पर जिस लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज इंग्लिश है याद रखना तो इनएडुकेट एंड फोल्टी कॉम्प्रीहसन एक तो हम समझ नहीं पाते और जो समझते हैं वो गलत सलत समझ बैठते हैं है ना हमें मछली मान लीजिए कोई इंग्लिश की पोएम ऐसे मैं आपको इंग्लिश की एक पोएम सुनाता हूँ शायद मुझे याद आए थिंक सेट द रॉबिन थिंक सेट द जे सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो देट लाइक बीटल्स एट ऑल वी नो अब हमें समझ में ही नहीं आया क्या बोल दिया ट्विंकल ट्विंकल, ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर वट यू आर ये भी समझ में नहीं आई क्यों हो क्योंकि जितना हमें समझ में आता है वो अपर्याप्त है और जितना हम समझ रहे हैं वो गलत सलाह समझ रहे हैं ये एक दूसरी प्रॉब्लम है रीजन क्या है हमें ना फ्रिजिज़ का मीनिंग समझ में नहीं आता फ्रिजिस का मतलब नहीं समझ में आता हमें डायरेक्ट वर्ड तो समझ में आते हैं कि गो मतलब जाना होता है गो मतलब क्या होता है दोस्तों जाना होता है ठीक है कम मतलब आना होता है कम मतलब क्या होता है दोस्तों आना होता है है ना मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख दिया आपके लिए है ना गेट मतलब प्राप्त करना होता है गेट मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना है ना गेट मतलब किसी को प्राप्त करना और आउट मतलब बाहर जाना ये तो हमें पता है हमें पता है कि बाहर जाना होता है इसका मतलब बाहर जाना होता है व्हाट्सएप लैंग्वेज मैंने लिख दिया लेकिन अगर गेट आउट एक साथ जुड़ जाए गेट आउट तो हमें कई बार ये नहीं पता होता गेट आउट का मतलब क्या है क्योंकि एक नया मीनिंग बनाएगा ये गेट मतलब प्राप्त करना आउट मतलब बाहर जाना लेकिन गेट आउट का मतलब होता है निकलो से बाहर जाओ गेट आउट मिलके क्या बनाते हैं बाहर जाओ है ना हमें पुट का मतलब पता है पुट पुट का मतलब मतलब पता है put मतलब रखना होता है ओन मतलब पर पुट का मतलब रखना ओन मतलब पर लेकिन पुट ऑन करके अगर मैंने एक फ्रेज बना दिया पुट ऑन तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना कंफ्यूजन पैदा हो गई क्यों क्योंकि फ्रेजिस का यूज होता है कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कुछ पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ में पूरी तरीके से नहीं आते दो प्रॉब्लम सबको समझ में आई रीडिंग करते समय हमारे सामने दो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है क्या सबको समझ में आई तीसरी प्रॉब्लम जो हमारे सामने क्रिएट होती है दैट इज स्पीड तीसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्पीड की कि हम तेजी से नहीं पढ़ पाते कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें तेजी से पढ़ ही नहीं पाएंगे हम है ना मैं आपको देता बताऊँ आप जल्दी से पढ़ के सुनाना मेरे को क्या लिखा हुआ है है ना ये बताना है क्या लिखा हुआ है बताओ क्या लिखा है एक ही बार में एक ही झटके से पढ़ के दिखाओ है ना आप समझ में ही नहीं आए? आएगा ही बहुत जल्दी से पढ़ने की कोशिश करना ये क्या लिखा है है ना ये ये पढ़िए ये पढ़िए ये वाला वर्ड पढ़िए ये वाला वर्ड पढ़िए तो कुछ ये वाला वर्ड पढ़िए ये अच्छा खासा वर्ड है तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम स्पीड से नहीं पढ़ पाते तो तीन बेसिक डिफिकल्टीज हमारे सामने पैदा होती है एक हम चीज़ों को समझ नहीं पाते दूसरा जो समझते हैं वो गलत समझ या फिर अधूरा समझते हैं और तीसरा हम स्पीड से नहीं पढ़ पाते यही तीन मेजर डिफिकल्टीज़ है जो हमें फेस करनी पड़ती हैं रीडिंग कॉम्प्रीहशन में या फिर रीडिंग स्किल के अंदर बात समझ में आई या नहीं आई आप कहेंगे डन सर फिर मिलेंगे ऐसी एक और क्लास के साथ और ये पी आपको मिल जाएगी हमारे इसी बैच के अंदर कहीं भटकना नहीं है बैच खरीद लिया शांत बैठ जाइए क्लास यहाँ मिलेंगे क्लास पी डी एफ यहाँ मिलेंगे पेड नोट्स यहाँ पर मिलेंगे क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर देंगे हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरी सुविधाएं देने की और जल्द से जल्द आपका सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे आज के लिए केवल इतना ही थैंक यू धन्यवाद नमस्कार